जनपद शामली में अपराधी घटना फिर से शुरू हो गई है, जिसके चलते यहां एक युवक की देर रात्रि लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। वहीं हत्या की यह वारदात थाना कांधला क्षेत्र की है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि थाना कांधला क्षेत्र के गांव भनेड़ा में 11 जुलाई को एक ही समुदाय के कुछ लोगों ने किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। वहीं कहासुनी होने के बाद कुछ लोगों द्वारा आपस में समझौता भी करा दिया गया था, जिसका दूसरा पक्ष अंकित व उसके परिवार से रंजिश रखने लगा था। वहीं रंजिश के चलते अंकित नाम की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि जब दिनेश अपने भाई व अंकित नाम के व्यक्ति के साथ किसी काम से गांव कल्याण के पास पहुंचे तो वहां पर पहले से ही खड़े कुछ लोगों ने तीनों युवकों पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया, जिसमें वादी दिनेश व उसका भाई मौके से फरार हो गया। लेकिन वहीं लाठी डंडों से लैस बदमाशों ने अंकित नाम के युवक की जबरदस्त तरीके से पिटाई कर दी, जिसके कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने गांव के ही लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना कांधला क्षेत्र में युवक अंकित की पीट पीट कर हुई हत्या के मामले में अपर पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह का कहना है कि गांव भनेड़ा से दिनेश अपने एक भाई व अंकित नाम के युवक के साथ किसी काम से बाहर जा रहा था, जिसमें गांव किन्यान के बॉर्डर के पास पहले से ही खड़े कुछ लोगों ने तीनों पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया, जिसमें अंकित नाम के युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। वहीं इस मामले में परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर हत्या का मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। याद हो कि 11 जुलाई को मृतक अंकित का गांव के ही कुछ लोगों से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें इन लोगों द्वारा समझौता भी करा दिया गया था, लेकिन उसी रंजिश के चलते बीती रात अंकित की लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। वहीं इस पूरे मामले में मुकदमा पंजीकृत करते हुए कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कई दिन पहले वहाँ से रोड़ा रुक का कहना सुनना हो गया। अच्छा, कहना सुनना हो गया तो अगले दिन फिर हम कहना भाई तू ऐसी जगह जा ना कर, कहना ठीक। तो इन्हें अगले दिन इकट्ठे हुए और रोड न करे तो उनमें प्यार मोहब्बत बन गया। कहना भाई कोई रंजिश नहीं, एक दूसरे को और अपना करो खाओ। तो जी फिर ऐसा हो गया, वे तो अपना पलान पर लग गए और यो अपना सले सुबह हो गया, तो दुख के तो मारा गया। ये गांव है कांधला का भनेड़ा। भनेड़ा में ये जो पुलिस को सूचना मिली कि एक दिनेश नामक व्यक्ति जो अपने दो भाइयों के साथ कांधला से भनेड़ा अपने गांव जा रहा था, रास्ते में कन्यान और भनेड़ा के बॉर्डर पे वो कुछ व्यक्ति वहाँ पहले से मिले और मिलने के बाद लाठी डंडों से उसके ऊपर हमला किया, जिसमें वादी और उसके भाई भाग गए। एक व्यक्ति जो अंकित जो मृतक है, इसकी उन लोगों द्वारा वहाँ पीट करके इसकी हत्या कर दी गई है। इस सूचना के प्राप्ति पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुँच करके नियमानुसार उसमें उच्चाधिकारी स्तर से भी मौका मुआयना किया गया था। डेड बॉडी को पंचायतनामा भर करके पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया गया था। मृतक के भाई के द्वारा दी जो तहरीर दी गई उसके आधार पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। प्राथमिक रूप से जो बातचीत हुई उसके आधार पर जानकारी हुई कि अभी 11 तारीख को इन्हीं लोगों के मध्य आपस में कुछ कहासुनी हो गई थी, जिसको आपसी स्तर पर इन लोगों ने निपटा लिया था और उसको पुलिस की कोई सूचना नहीं दी गई थी। और इसी को देखते हुए जो 11 तारीख को इनके बीच में आपस में कहासुनी हुई थी, इसी आधार पर मृतक की हत्या की गई है।